चढ़ जाओ भाई। कैसे ये एक देखिए द्वार तरह बना है ये, और फिर अंदर से ये रास्ता, ये गुफा आप देख ही रहे हैं पीछे, इसके अंदर अब जाने का पूरा प्रयास रहेगा। वीडियो में बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। सॉरी थोड़ा सा कैमरा हम संभाल नहीं पा रहे क्योंकि हम लेट करके अंदर जा रहे हैं, ये काफी मेहनत काम पड़ रहा है। देखिए चमगादड़ कैसे टांग हिला के हमको दिखा रहा है। यहाँ पर हाथ देख लेने की आकृति बनी है और यहाँ उनके चरण का चिन्ह बना है। राधे श्याम, एक नया दिन, एक नई जगह। और जैसा कि आप हमारे पीछे अभी पहाड़ी देख रहे होंगे, और पिछले कुछ वीडियो से दिनों से हम पहाड़ी चढ़ के काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं पहाड़ी को, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो ये है मयंक भाई और ये है पहाड़ी। चलिए बताइए फिर आज यहाँ क्या अलग करने वाले हैं। आज हम लोग आए हैं एक गुफा को देखने के लिए। इसका गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है, यह है व्योमासुर की गुफा। वहाँ पर बलराव जी का चरण चिन्ह भी है, बहुत सुंदर सी कथा है। आइए चलिए दर्शन करें। तो जैसा आपने सुना, हम लोग आज पहाड़ी के अंदर जाने वाले हैं। अधिकतर तो ऊपर चल रहे थे, लेकिन आज अंदर जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में, मजा बहुत आएगा। रास्ता देखिए, नेचर के बीच से, जंगलों के बीच से होके जाता है। हमेशा की तरह मयंक भाई नंगे पैर हैं। नंगे पैर से एक दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे कांटे और जो ये पत्थर हैं बहुत चुकीले हैं, जो कि पैर को बहुत आसानी से फाड़ देते हैं। तो ये है सीढ़ी। खड़ी सीढ़ी है यार, देखिए थोड़ा सा ऊपर आने पे पूरा दिखने लगा। अभी ये गुफा दिख रही है, इसमें चल के देखते हैं अंदर क्या है। चलते हैं, चढ़ जाओ भाई। चलते हैं ऊपर। थोड़ा कैमरे के साथ चलना मुश्किल है। चढ़ रहे हैं। ये देखो कहाँ है, कैसे ये एक देखिए द्वार तरह बना है ये, और फिर अंदर से ये रास्ता। सो ये यहीं से अभी हम लोग चढ़ के आए, और इधर तरफ ये देखिए गुफा। और मयंक भाई अब यहाँ की कथा बताएंगे। मयंक भाई, राधे श्याम। इन गुफाओं को देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्योमासुर की गुफा है, बहुत ही सुंदर इतिहास और कथा जुड़ा है इस गुफा से। तो चलिए पहले आपको कथा सुनाते हैं और ये चीज दिखाते हैं। आज तक हम लोग बस यहीं तक आए हैं इस गुफा में, बड़े इत्मीनान से बैठे ताकि आप लोग कायदे से देखें। इसके आगे जो वो दिख रहा है सामने ना, वहां इंड हो जाता है, लेकिन हमको लग रहा है उसके आगे रास्ता है। तो प्रयास करेंगे उसके आगे देखने का, उसके अंदर जाने का। थोड़ा टफ है तो पहले कथा देखते हैं। यही कथा क्या है, ये वो स्थान है कांगवन कामा, जहां पर भगवान गाय चराने भी आते थे। और गाय चराने के साथ उनके साथ बाकी गांव के ग्वालबाल, उनके मित्र सखा सब साथ रहते थे। तो उन लोगों का एक खेल था, जैसे हम लोग खेलते हैं चोर पुलिस, वैसा ही उस समय का एक खेल था कि कुछ ग्वालबाल बन जाते थे गाय और बछड़ा, कुछ उनको चुराने वाले उन्हीं ग्वालबालों के बीच के, और कन्हैया बनते थे न्यायाधीश। वो पकड़ते बुलाते थे किसने कहां पर क्या छुपाया है, कितने गाय भैंस को, जो कि ग्वालबाल ही है बछड़े के रूप में छुपाया है। तो उसी समय जब वो यहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, तो कंस के गुप्तचर, चार मुख्य गुप्तचर में से एक व्योमासुर, वो उसने क्या किया कि ग्वालबाल बन करके चार जो चोर थे, जिनको चोर ग्वालों को बंद करना था, उसमें से एक वो बन गया, और उसने सारे जो गाय बछड़े बने ग्वालबाल थे उनको चुरा लिया। भगवान वहां परेशान हो गए कि कहां गए सब, कौन कर सकता है ऐसा। कुछ समय के बाद भगवान ने जब ध्यान दिया तो उन्होंने चारों में से उस राक्षस को पकड़ लिया, और उस राक्षस को ले आकर के इसी गुफा में आए। इसी गुफा में युद्ध हुआ, युद्ध इतना भयानक भगवान का साथ हुआ कि धरती कांपने लगी, भूकंप आ गया। और उसी समय बलराव जी ने अपना पैर जमीन पर इतनी कसके जमाया कि भूकंप रुका, और उनके निशान चिन्ह के आज भी है, वो भी दिखाएंगे। तो पहले हम चल के इसके अंदर देखते हैं कि
कि क्या है यहाँ क्या नहीं है। कन्हैया ने अपने ग्वाल को बचाया है, कुछ यहाँ ऋषियों ने संतों ने यहाँ तपस्या किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी दिव्यता को महसूस हम लोग कर पा रहे हैं। आप इसका अनुभव लेते रहिए, हम चलते हैं इसके अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सब स्थान देखने से ही समझ में आता है कि भगवान जो लीला किए तो उनके सबूत कैसे आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये गुफा आप देख ही रहे हैं पीछे, और इसके अंदर अब जाने का पूरा प्रयास रहेगा। वीडियो में बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। दिखाते हैं आपको कितना पतला रास्ता है जहाँ की बात हो रही थी। महंग भाई चमगादड़ों से भरा हुआ है, अटैक करने वाले। लो अंदर दिखा दो कैमरे से। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सब तरफ अच्छे से दिखाएं। हम और अंदर चले राधे, काफी अंदर आ गए हैं गुफा के। लाइटें गिरी जा रही हैं, रुक जाओ इसको थामो, पीछे से दिखाओ लाइट, हम इसी से बनाते हैं। सॉरी थोड़ा सा कैमरा हम संभाल नहीं पा रहे क्योंकि हम लेट करके अंदर जा रहे हैं। ये काफी मेहनत काम पड़ रहा है। देखिए चमगादड़ कैसे टांग हिला के हमको दिखा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, गौर से देखिए चमगादड़ के चेहरे को, देखिए देखिए देखिए। देखो मयंक भाई कैसे अंदर जाके दिखाए थे काफी मशक्कत करके। अंदर चमगादड़ बहुत है, ऑक्सीजन भी बहुत, हवा बहुत कम है, लेकिन अंदर और रास्ता नहीं दिखा, जहां तक दिखा वहां तक जाने और दिखाने का प्रयास किया। अब देखते हैं और भी जगह से इस पहाड़ों में क्या क्या है, क्या क्या रास्ते हैं, और भगवान का चरण चिन्ह, लाव जी का चरण चिन्ह दिखाते हैं आपको। चलिए राधे श्याम, जो आपको नीचे कथा बताया कि जब भगवान उसका वध कर रहे थे, व्योमासुर का वध कर रहे थे, उस समय धरती कांपी, तो बल्लाव जी ने क्या किया, अपना एक पांव जमाया, और पांव जमाया तो शरीर, मतलब उस समय धरती कांप रही थी तो वो भी कांप रहे थे। इसका सबूत यहां मिलता है कि उनके चरण के चिन्ह भी यहां पे है। देखिए ये जो निशान खींच रहे हैं, यहां हम लोग को पत्थर में आकृति समझ आ रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही खींच रहे हैं ये चरण चिन्ह है। और उनके बगल में क्या होता है ना, जैसे खड़े हुए बैलेंस खड़ा हुआ, तो यहां पर उन्होंने हाथ रखा, तो यहां पर हाथ का चिन्ह है, ये उंगलियों के निशान बनते हैं और हाथ के, वो भी दिखाता हूं कि कुछ इस तरह से यहां पर हाथ टेक लेने की आकृति बनी है, और यहां उनके एक चरण का चिन्ह बना है, ठीक है। उन्होंने लेफ्ट चरण यहां पर दबाया है, ठीक है, और राइट हैंड को यहां टिकाया है, ये उसका निशान शिला में बना हुआ है। बहुत ही दिव्य सत्य का दर्शन है, शिलाओं पे जो मिलता है बहुत प्राचीन, बहुत कम लोग ब्रजवासियों द्वारा जानकर के हम लोग यहाँ आए हैं, अपने बाबा महाराज की कृपा से जाने हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, और भी कोशिश करते हैं कुछ और दिखाने का। तो आपने पीछे देखा चरण चिन्ह और हाथों के निशान बलराम जी के, काफी अद्भुत था वो भी। तो आज भी हम लोग भगवान की लीलाओं का निशान चिन्ह देख सकते हैं, ये काफी बड़ी बात है। देखिए रास्ता बहुत खतरनाक है, सो हम लोग पहाड़ी से नीचे आ गए हैं। और ये देखिए कांटों भरा सफर, कांटे पैन पकड़ लिए यार। क्या खूबसूरत नजारा है यहाँ का, काफी मजा आया। सो हम लोग नीचे आ चुके हैं, काफी अद्भुत दर्शन हुआ भगवान का, ये इधर ही कहीं से ऊपर गए थे तो काफी मजा आया। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आज आपने दर्शन किया व्योमासुर की गुफा का, और जरूर बताइए कैसा लगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन जगहों का दर्शन कराने का जहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसे तो मुख्य मंदिर सब पहुँच जाते हैं, इसलिए भी मुख्य मंदिर हम नहीं जा करके उन स्थानों का वीडियो बना रहे हैं जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज के वीडियो में आप लोग को काफी मजा आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये जगह और दर्शन कैसे आप अनुभव किए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधेश्याम।